कल शंभू बॉर्डर के हमने हालात देखे, आज क्या स्थिति है? जी देखिए, कल रात को देर रात तक जहां पर आंसू गैस के गोले चलते रहे हैं और ये शायद पहली बार होगा कि 12 घंटे तक पुलिस आंसू गैस के गोले देश में कहीं पर भी अगर इतना लंबा आंसू गैस गोले छोड़ने की कार्रवाई हुई होगी तो शायद ये शंभू बॉर्डर पे ही हुई होगी। कल किसान कोशिश करते रहे और रात में भी किसान जो हैं जैसे जैसे बैरिकेड के पास जाते तो पुलिस जो है दोबारा से उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ रही थी। अभी सुबह का समय है, यहाँ फिलहाल शांति नजर आ रही है देखिए, लेकिन अभी जैसे ये बात हमने करने शुरू करी है कुछ किसान जो है बैरिकेड की तरफ जा रहे होंगे तो इसलिए जो है आंसू गैस के गोले अभी सुबह से शांत थे, लेकिन अभी बात करते करते ही एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा अभी क्योंकि सूरज उस तरफ से आ रहा है तो बहुत ज्यादा अभी नहीं दिख पाएगा, बहुत ज्यादा किसान नहीं है इस समय पर क्योंकि सुबह का समय है, नाश्ते का समय है तो और रणनीति का भी समय है। पहले रणनीति तय होगी कि आज क्या करना है। रात को देर रात तक किसान क्योंकि घूमते रहे हैं यहाँ पर तो अभी बहुत से जो हैं उठ ही रहे होंगे, इसीलिए अभी शांति है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे किसान अब दिन निकल रहा है बैरिकेड के पास जा रहे हैं तो आज सुबह की कार्रवाई आंसू गैस के गोले छोड़ने की बिल्कुल अभी अभी से शुरू हुई है। अभी तक बहुत शांति थी, अभी तक थोड़ा थोड़ा इंटरनेट भी यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, फोन भी आराम से हो पा रहे थे, लेकिन अब ये देखिए धीरे धीरे करके अब एक बार फिर से जो कल वाली हमने तस्वीरें देखी थी एक बार फिर से अब वो रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। और आज किसानों की कोशिश ये रह सकती है कि किसी भी हाल में दिल्ली के लिए यहाँ से बढ़ा जाए, क्योंकि कल तो दोपहर तक जाके सारे इकट्ठे हुए थे, आज का पूरा दिन जो है किसानों के पास है। अगर आज किसान यहाँ से निकल जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर यहाँ से नहीं निकल पाते तो फिर यहीं पर ये माना जाए कि जो धरना है ये किसानों का हो सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल है कि यहीं पर धरना किसान करें क्योंकि ये पंजाब है, पंजाब में धरना करने के किसान कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी 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 जो मांग है वो पंजाब सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार से है। जया बिल्कुल, यहाँ पर आपने संक्षेप में हाल बयां किया। शंभू बॉर्डर सुबह 8 बजे हमने देखा आंसू गैस के गोले अब छोड़े जाने शुरू हो गए। रवीश रंजन शुक्ला सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, सोनीपत पानीपत करनाल चंडीगढ़ के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। रवीश आप बताएं वहां का हाल। जी देखिए जया, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के सबसे पहले बैरिकेड पर मौजूद हूँ। ये देखिए दोनों तरफ का जो हाईवे है उसको बंद कर दिया है पुलिस ने और एक छोटा सा जो रास्ता है उसको खोला है, लेकिन वो भी अंदर का जो रास्ता है और गांव का जो रास्ता है उसकी ओर जाता है और ये पहला बैरियर है। इस तरीके से कम 5 जगहों पर बैरियर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको लगाया गया है। दूसरी साइड में अगर मैं दिखाऊं दिल्ली की तरफ तो ये आप देखिए तमाम सारे अधिकारियों के लिए, पुलिस के ऑफिशियल्स के लिए तंबू बनाए गए हैं, यानी इस कड़ाके की ठंड में रात भर रुकने के लिए ये देखिए तमाम सारे यहाँ पर तंबू बनाए गए हैं। तो ये पूरी जो सिंघू बॉर्डर का हाल है, अभी हम आगे अभी आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर के पास में कॉन्क्रीट की एक दीवार बना दी गई है, लोहे की कीलें बिछा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर किसान दिल्ली के अंदर न घुस पाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पिछली बार भी काफ़ी संघर्ष हुआ था और इसी सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। सिंघू बॉर्डर के आसपास औद्योगिक एरिया काफ़ी है, हरियाणा की तरफ भी लगता है और इधर भी लगता है, नरेला भवाना ये सारी जगह हैं। यहाँ पर काम करने वाले हज़ारों जो मजदूर हैं उनकी ज़िंदगी पर भी इस सड़क के बंद करने का असर पड़ा है, पैदल जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग तो कल ये शिकायत करते हुए मिले कि उनकी नौकरी छूट जाएगी क्योंकि घंटों घंटों उनको या तो जाम में लगना पड़ रहा है या फिर उन्हें बहुत ही घूम कर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक दुश्वारियों का सामना जो है वो आसपास के लोगों को अब झेलना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 3 साल पहले के हालात पैदा हो गए थे और सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं पंजाब के वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, पूरा कामकाज ठप हो गया था, आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसी तरीके के हालात, इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं। आमतौर पर ये जो रोड है ये चूंकि चंडीगढ़ को जाता है, हरियाणा को जाता है, पानीपत को मिलाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, लेकिन आज आप देखिए कि पूरी रोड सुनसान है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।